पीपल्स पार्टी इस मुल्क का वो वाहिद जमात है जो चाहता है कि इलेक्शंस हो और इलेक्शंस आज। कभी कोई सो कॉल्ड लीडर टीवी पे आता है, मौसम की बात करना शुरू कर देते हैं कि फरवरी में जनवरी में जो है वो मौसम बड़ा ठंडा है, हम कैसे इलेक्शंस लड़ेंगे। फिर कोई कहता है कि लॉ एंड ऑर्डर का क्या सूरत हाल है। कभी कोई मौसम की बात शुरू कर देता है कि जनवरी में मौसम ठंडा होगा, इलेक्शन कैसे लड़ सकते हैं। कोई अमन अमान की बात करता है। पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो कहती है इलेक्शन आज हो। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा इलेक्शन की तारीख का ऐलान होने तक चीन से नहीं बैठेंगे। अचार सिर्फ सियासतदान निशाने पर होता है, पसे पर्दा हुक्मरानी कोई और करता है। बहुत हो चुका कौम को बताना होगा, अब वोट का फैसला नए जाविये से करना होगा। ये यूआई सरबरा मौलाना फजल रहमान का खुशाब में जलसे से खिताब, कहा आलमी इदारों का सबसे ज्यादा दबाव पाकिस्तान पर है। हर चंद महीनों के बाद IMF एक नया मुआहिदा कर रहा होता है। नवाज शरीफ ने वतन वापसी का टिकट कटवा लिया। लीगी कायद 21 अक्टूबर को लंदन से अबूधाबी एयरपोर्ट लैंड करेंगे। ज़राए के मुताबिक निजी एयरलाइन की परवाज 243 से शाम 6:25 पर लाहौर आएंगे। नवाज शरीफ के हमराह स्टाफ और जाती मुशीर भी होंगे। इंतखाबात से कबल सियासी जमातों में राबतों का सिलसिला तेज। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस भी मुतहर्रिक। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमाओं की मुलाकात कल होगी। निगरान वजीर आजम ने नेशनल एपेक्स कमेटी का इजलास तलब कर लिया। इजलास कल इस्लामाबाद में होगा। अमन अमान की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक इजलास में सिविल और अस्करी क़यादत शिरकत करेगी। इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान इजलास को ब्रीफिंग देंगे। अमन अमान से मुताल्लिक हुकूमत का इंकलाबी इकदाम। खैबर पख्तूनख्वा समेत पाकिस्तान भर में मोबाइल सिम्स की दोबारा तस्दीक का फैसला। मल्टी फिंगर वेरिफिकेशन के तहत सिम्स की तस्दीक की जाएगी। एक पासपोर्ट पर सिर्फ एक ही सिम खोली जाएगी। पाकिस्तान की सिम्स रोमिंग पर अफगानिस्तान और दूसरे कई ममालिक में काम नहीं करेंगी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ केस चीफ जस्टिस की सरबराही में फुल कोर्ट समाप्त आज होगी। अदालती कार्रवाई बराह रास्त नशर किए जाने का इम्कान। तहरीक इंसाफ ने इजाफी दस्तावेजात सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी। इजाफी दस्तावेजात को केस के रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने की इस्तदा। साइफर केस में एक और बड़ी पेशरफ। खुसूसी अदालत ने बाकायदा ट्रायल का आगाज कर दिया। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी को 4 अक्टूबर के लिए नोटिस जारी। चेयरमैन PTI और शाह महमूद को पेश करने की हिदायत। साइफर केस में चेयरमैन PTI की दरख्वास्त जमानत पर समाप्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने समाप्त इन कैमरा करने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स में कहा, ये फैसला करना है कि समाप्त इन कैमरा होगी या ओपन कोर्ट में। केस दोबारा समाप्त के लिए मुकर्रर करने की तारीख देंगे। लाइव स्ट्रीमिंग होगी और जरूर होगी। हमने मामला फुल कोर्ट के सामने रखा है। वकील चेयरमैन PTI की FIA की मुतफर्रिक दरख्वास्त की मुखालफत। चेयरमैन PTI की जमानत की 9 दरख्वास्तें मंजूर। ट्रायल कोर्ट का अदम पैरवी पर दरख्वास्त खारिज करने का फैसला कलअदम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। मुतालिका अदालतों को दोबारा केस सुनने का हुक्म। निगरान काबीना इजलास में बड़ा फैसला। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद मुनीर चेयरमैन, नाजरा तैनात। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद मुनीर अक्वामे मुत्तहिदा मिशन में IT से तकनीकी तरक्की और इंतजाम का वसी तजर्बा रखते हैं। उन्हें सदारती अवार्ड से भी नवाजा गया।
फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के खिलाफ 1090 दरख्वास्तों पर दलाइल। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स में कहा, बिजली की कीमतों में इजाफे के खिलाफ केसेस का ढेर है, 16 अक्टूबर को दलाइल सुनकर फैसला करेंगे। तमाम फरीफैन इस्लामाबाद आकर दलाइल दें, वीडियो लिंक की सहूलत नहीं दी जाएगी। हुकूमत ने अवाम पर फिर बिजली गिरा दी। फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली 3.28 रुपए महंगी। नेपरा की जानिब से नोटिफिकेशन जारी। सार्फीन पर 159 अरब का इजाफी बोझ पड़ेगा। इजाफी वसूलियां आइंदा 6 माह के बिल्स में की जाएंगी। इंटरबैंक में डॉलर 98 पैसे सस्ता हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 286.76 रुपए पर आ गया। ओपन मार्केट में डॉलर 1.50 रुपए सस्ता। डॉलर की कीमत 286.50 रुपए हो गई। सवात के इलाके चारबाग में मुकामी मायदीन ने खवातीन खिलाड़ियों को क्रिकेट मैच खेलने से रोक दिया। वुमेन टीमों के दरमियान प्रैक्टिस मैच शेड्यूल था, रिवायात के मुनाफी करार देते हुए टूर्नामेंट ही मंसूख करवा दिया। खवातीन के क्रिकेट मैच पर पाबंदी के खिलाफ पेशावर की खिलाड़ियों का शदीद रद्द अमल। शहर जब पाबंदी लग रही थी तो इंतजामिया कहाँ थी। मैं खुद एक लड़की हूँ, मुझे जब घर से परमिशन है ठीक है, माँ बाप कुछ नहीं कह रहे, तो आप लोग क्यों रोक रहे हैं? स्वात वालों अगर उनको अपने पेरेंट्स ने इजाज़त दी है कि गेम खेलें, तो फिर और लोगों का इसमें काम क्या है कि वो इसको बंद करवा रहे हैं। बुशरा बीबी ने शोहर की जेल में सिक्योरिटी के लिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट से रुजू कर लिया। चेयरमैन पीटीआई को जेल में जहर देने के खदशे का इजहार। कहा, चेयरमैन पीटीआई को घर के खाने की इजाज़त नहीं दी गई, मिलावट ज़दा खुराक जिंदगी के लिए नुकसानदेह हो सकती है। पुलिस शेख रशीद को 1 हफ्ते में पेश करे वरना FIR होगी। लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच का हुक्म। जस्टिस सदाकत अली खान ने RPO को खबरदार किया। कहा, RPO साहब, आपको 1 हफ्ते की आखिरी वार्निंग है, शेख रशीद ना मिले तो तमाम अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराऊंगा। कराची में पानी और बिजली के सताए शहरियों का एहतजाज। गिजरी के करीब सड़कों पर रुकावटें रख कर मुजाहरा, घंटों ट्रैफिक मौतल, शहरी परेशान। निगरान वजीर आलम मोहसिन नकवी का पंजाब में स्कूल्स की हालत इजहार पर अफसोस का इजहार। तकरीब से खिताब में कहा, सरकारी स्कूल्स के बदतर हालात का मैं भी जिम्मेदार हूँ। सरकारी दफातर में बैठकर या इजलास करके हालात दुरुस्त नहीं होंगे। निगरान वजीर आला पंजाब का गवर्नमेंट पायलट हाई स्कूल बेहदत रोड का दौरा। क्लासेस ना होने पर सेक्रेटरी स्कूल की सरजनिश। पाकिस्तान और रूस के दरमियान मुजाकरात आइंदा हफ्ते शुरू होंगे। पाकिस्तानी वक्त 9 अक्टूबर को रूस पहुंचेगा। तेल और गैस की खरीदारी के मुआहदे पर बातचीत होगी। $60 फी बैरल तेल की खरीदारी पर गुफ्तगु होगी। मुल्क भर में ज्यादा पोलियो मुहिम का आगाज। निगरान वजीर आला ने बच्चों को कतरे पिलाए, तहाइफ भी दिए। कहते हैं, मुल्क की अगली नस्ल को पोलियो से बचाना फर्ज है। मर्द के खात्मे के लिए सबको जिम्मेदारी निभाना होगी। मुहिम 8 अक्टूबर तक जारी रहेगी। आज काउंसिल कराची में पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल जारी। 23वें रोज मोहब्बत, धोखा, ख्वाहिशात और जिंदगी के शबो रोज पर मबनी खेल पेश। हाजरीन ने खाकों को खूब सराहा।